ठीक है, चलो कंसंट्रेट करो सारे। हाँ फाइल को मैं रन कर लेता हूँ। कॉपी पाथ F12। टेस्टिंग आ रहा है हमारे पास, नजर आ रहा है सबको? सही। अच्छा अब यहाँ पे नोटिस करना, मैंने app.js जो हमारी HTML की बॉडी है सिर्फ वो फाइल इंपोर्ट करी है, एक दोनों में से, ठीक है, दूसरी फाइल नहीं लगाई है। मैं यहाँ पे एक डेटा बना लेता हूँ एनिमल्स का, एनिमल्स डेटा इज इक्वल टू एरे, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? सही है, सही है। एक एक और डेटा बना लेते हैं किसी यूजर का। नहीं नहीं, ये कोई और टॉपिक है, कोई और टॉपिक। इसका टॉपिक का नाम है एक्सपोर्ट इंपोर्ट। एक्मा स्क्रिप्ट में इस टॉपिक का नाम है एक्सपोर्ट इंपोर्ट। जो अगर ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स आपको आता है तो ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है किसी फ्रेमवर्क पे शिफ्ट होने के लिए, अदरवाइज आपको पता नहीं चल सकेगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या करता है, और इंटरव्यू का ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, एक मैं यूजर की डिटेल बना लेता हूँ। यूजर इन्फो इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, ओके क्लियर है। और अगर हम यहाँ पर जाएं तो ये बोल रहा है लाइन नंबर वन app.js, लाइन नंबर वन पे चल रही है कहाँ पर? टेस्टिंग, सही है। मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा एक्सपोर्ट विच इज अ बिल्ट इन कीवर्ड कम्स फ्रॉम इक्मा स्क्रिप्ट 7। ये 6 का भी नहीं है, ये 7 से आया है एक्सपोर्ट का कीवर्ड। जो चीज आपको ब्लू नजर आ जाए वीएस कोड पे, दैट मींस इट इज अ बिल्ट इन फीचर ऑफ जावास्क्रिप्ट और इक्मा स्क्रिप्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट का फीचर निकल कर आया। अच्छा अभी मैं इसके बराबर में ब्रैकेट्स लगा देता हूँ कि हर किस्म के एरर्स इस वजह से खत्म हो गए क्योंकि मेरा सिंटेक्स में कोई एरर नहीं है। ब्रैकेट्स क्यों लगाए वो इसका जवाब आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा। लाइन खत्म होने के बाद टर्मिनेट लगा दिया और यहाँ पर मैंने पास करा दिया एनिमल्स डेटा और हाँ कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, एक्सपोर्ट पे मैंने पास कर दिया एनिमल्स डेटा और यूजर इनपुट। ठीक है, ठीक है, यूजर इन्फो को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी, और मैं अब आ गया हूँ app.js की फाइल में। मैंने लिखा जिस तरह आपके पास इक्मा स्क्रिप्ट में कीवर्ड है एक्सपोर्ट का, इस तरह कीवर्ड है आपके पास इंपोर्ट का, ठीक है, जो के 7 का है, नॉट 6 का भी नहीं है वो। इंपोर्ट क्या? यस। अच्छा अभी मैंने ब्रैकेट लगाया फ्रॉम डॉट स्लैश डेटा। अब मैं यहां पर आया कंट्रोल टैब, उसने मुझे बता दिया कि भाई आपके पास दो चीजें पड़ी हुई हैं। मैंने बोला यूजर इन्फो को लेकर आ जाओ। अच्छा अब मैं यहाँ पर आया कंट्रोल कंसोल डॉट लॉग यूजर इन्फो, क्या नहीं, पाथ देने की जरूरत नहीं, फाइल दोगे आप, एक्सटेंशन देने की जरूरत नहीं। ठीक है, सेव किया
और यहाँ पर मेरे पास बोला है कैन नॉट यूज इम्पोर्ट स्टेटमेंट आउटसाइड अ मॉड्यूल एट एप डॉट जी एस नॉट यूज इम्पोर्ट एट मॉड्यूल एप डॉट जी एस क्या जब हम इम्पोर्ट करवाते हैं गूगल पे किसी फॉर्म वगैरह को इम्पोर्ट करवाते हैं एट द रेट करके इस वजह से दिखाता है क्योंकि वहां से आप HTML उठा रहे हो, सही है। जब HTML उठाओगे ना तो एट द रेट करके दिखाएगा। और यहाँ पे एक एरर आया, उसको हम देखते हैं क्यों आ रहा है। कैन नॉट यूज इंपोर्ट स्टेटमेंट आउटसाइड अ मॉड्यूल एट द रेट। क्या नहीं, मेरे लिए एरर नया नहीं है, लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि मेरा ब्राउजर जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट उठा नहीं रहा जावास्क्रिप्ट। डेटा डॉट जी एस सेव। सिंटैक्स एरर, अगर हम डायरेक्ट इसको हटा दें और यहाँ पे लिख दें यूजर इन्फो CL, यहाँ पर जाओ डॉट स्लैश डेटा डॉट जी सेव। इसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए वैसे। सेव देखा फाइल नहीं चल रही, फाइल इज नॉट वर्किंग एक्चुअली द थिंग इज दैट। अच्छा एक और चीज मैं करके देख लेता हूँ, अगर वो नहीं होती तो हम इसका कुछ ऑल्टरनेट देखेंगे। मैंने लिखा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूजर सेव और एनिमल्स डेटा को एट द मोमेंट के लिए कमिट कर देता हूँ। सेव एप डॉट जी एस User info, सही है। CL user info outside that module क्या बोल रही है? यही तो करा है। सही है सही है। एरर ये आ रहा है कि जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वही एरर है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है ना ES7 का है, तो अभी क्योंकि हमने कहीं से ना इसकी कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल करी है, ठीक है, और ना इसका कोई CDN लगाया है, तो उसको पता ही नहीं चल रहा कि भाई एक्सपोर्ट क्या है तो इम्पोर्ट क्या है। सही है, एक्सपोर्ट क्योंकि हमने बाद में किया था, इम्पोर्ट हमने उस फाइल में किया है जो हमने एप डॉट जेस में कराई हुई है, तो इम्पोर्ट वो इस वजह से लिख रहा है। सही है, और अगलों का मैंने देखा, उन्होंने बोला भाई आपको या तो npm से पैकेज इंस्टॉल करो या फिर CDN लिंक्स लगा दो। ठीक है, तो ये हम वहीं देख लेंगे। लेकिन ये होता इसलिए है, आपने किसी जगह पर बहुत सारा डमी डेटा रखना हो, एक एरे जो आपकी बाहर बार बार यूज होनी है, या कोई ऐसा डेटा जो आपका बार बार यूज होना है, एक फाइल बना के उसमें रख लो सारा डेटा, दोबारा किसी फाइल में बनाने की जरूरत नहीं है, वहां से मंगवाओ और अपनी फाइल में चला दो। API का डेटा जो तुम्हें सिटीज लिस्ट हो गई, कोई भी कोई ऐसी लिस्ट हो गई जो दो जगह पे यूज होनी है, एक फाइल में मंगवा के रख लो, एक्सपोर्ट करो और इम्पोर्ट करा के अपने पास चला लो। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ये होता है। ठीक है, क्या वो इस वजह से कि कभी कभार ऐसा होता है कि आपको CDN लिंक्स लगाने पड़ते हैं। अभी मैंने एक्सियोस का आपको मना इस वजह से कराया, एक्सियोस नहीं चलेगा यहाँ पे, वो बोलेगा मेरा पैकेज इंस्टॉल करो, मेरे CDN लिंक्स लगाओ, और इसके अलावा उल्टी सीधी चीजें मैं इतनी लगा दूंगा कि काम तो बाद में आपको वो चीजें नहीं समझ में आएंगी। सही है, ठीक है, चलो इस टॉपिक को हम छोड़ते हैं, हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं।
नहीं नहीं इसका यूज नहीं, इसका यूज सिर्फ इस वजह से है कि आपको पता चलेगा कि भाई इधर से उधर जाने वाला जो हमारा काम था उसमें बस आनी है, ठीक है। अच्छा चलो, एक किसकी स्क्रिप्ट वो भी वर्क करेगा, लेकिन नई चीज आई है तो उसको देखो ना, नई चीज को देखेंगे हम भाई, पुरानी चीज को नहीं देखेंगे। तुम खुश हो गए थे ना मैप को देख के, ये लूप बेकार है भाई। फिर नहीं नहीं ये ज्यादा आसान है, जब इसकी जब आगे रखा हुआ यही है तो हम उसको क्यों देखें। हाँ वो इस वजह से नहीं कर रहा था, एपीआई चलती है एसिंक्रोनस। तुम लोग के बैच की वो लड़की नहीं आई ना? कौन? नहीं वो नहीं आई। क्यों? एस मुझे मालूम नहीं, बोला था कि देर से आएगी। हाँ बोला है, पूछा है मैंने भाई। वो इस वजह से नहीं चला, एपीआई का कोड चलता है एसिंक्रोनस, थोड़ा सा वेट लेता है, सही है, जिसमें से आपके पास लिखा आ रहा था फुलफिल्ड, पेंडिंग वगैरह ये सब। तो जैसे ही वो रेंडर हुआ ना, उसने ए टू जेड लाइन का कोड पकड़ लिया, सबसे नीचे गया, उसको अपडेट यूजर मिला नहीं तो उसने कोड चलाया नहीं, और एपीआई बाद में हिट हुई, बाद में रिस्पॉन्स आया, तब तक उसे कुछ मिला नहीं तो कुछ चलाया नहीं। क्या फॉर लूप ही काम करेगा? मतलब तुम बात को नहीं समझे मेरी। मैंने बोला जब तक आपकी एपीआई हिट नहीं होगी ना, आपका डेटा डॉम पे रेंडर नहीं होगा। आपको कुछ ऐसी सेटिंग बनानी पड़ेगी कि जब तक एपीआई का डेटा नहीं आ रहा, आप कोई लोडर दिखाओ या कुछ दिखाओ, कुछ पहले दिखा दो, जब आपके पास डेटा आ जाए तब आप जो है डेटा दिखा दो। ये सुनेगा तो ध्यान देगा ना। चलो लास्ट की ट्रेंड्स में नहीं चली थी, बता देगा शहाब, तुम लास्ट 21 पे आए थे। इलियास आया था? लास्ट क्लास है, बहुत जरा थोड़ा सा सीरियस है इसको। लास्ट क्लास क्या मतलब है? इसके बाद कहता तुम दोनों को क्या वेबसाइट है? बताओ जरा कौन सी साइट? अब्बास कितनी क्लासेस हो गई तुम्हारी? ये तीसरी वाली तुम्हारी भी तीसरी है? उसने खुद बता दिया था कि मैं देर से आऊंगी, लगा दो फिर क्योंकि मैं जा रही हूँ। हाँ सही है, मैं बता दूंगा, काम ही है, छुट्टी मिल गई यार। कुछ चीजें आप वक्त के साथ साथ सीख जाओगे, इम्पोर्टेंट सारी नहीं है लेकिन मार्केट में काम करने से आ जाती है, ठीक है। चले आगे बढ़े, सही है। क्या ऑल्टरनेटिव पढ़ेंगे? उससे पहले थोड़ी सी एक चीज पढ़ेंगे, एरर हैंडलिंग के लिए आपके पास एक चीज होती है जावास्क्रिप्ट में, विच इज कॉल्ड ट्राई एंड कैच, सही है। एरर हैंडलिंग के लिए इधर देख लो यार, एरर हैंडलिंग के लिए आपके पास जावास्क्रिप्ट में एक टॉपिक होता है, उसका नाम है ट्राई एंड कैच, सही है। इस्तेमाल करा है? क्या
ठीक है, मैं एक यूजर से इनपुट लेता हूँ और उसको कंसोल कराता हूँ। एंट्री यूअर नेम, इतना सबको क्लियर है? अभी तक कोई चीज नहीं लिखी मैंने, बहुत बेसिक लिखा है। क्लियर है सबको? क्या हाँ, प्रॉम्प्ट को कंसोल कराइए, सही है। अच्छा आप सही टाइम पर आई हो, इत्तेफाक। इम्पोर्टेंट टॉपिक अभी स्टार्ट हुआ। एक दफा दोबारा सुनो सारे, जावास्क्रिप्ट में आपके पास एरर हैंडलिंग के लिए एक टॉपिक होता है ट्राई एंड कैच, जो आपके पास ES6 से आया है, सही है। अब हम यूजर इनपुट को एरर हैंडलिंग करेंगे, एरर चेक करेंगे यूजिंग ट्राई एंड कैच। मैं बना के दे दूंगा फाइल अगर आप बोलोगे, सही ठीक है। ट्राई एंड कैच का जो सिंटैक्स है वो हम लिख लेते हैं। एरर हैंडलिंग से मुराद ये कि जब सक्सेस हो तो यहाँ चले, एरर हो तो यहाँ चले। नई चीज देख रहे हैं ना, क्या इसका जवाब मैं भी दूंगा थोड़ी देर, ठीक है। ये आपके पास ट्राई का एक कीवर्ड है जो कि ECMA स्क्रिप्ट का है, ठीक है। तभी ब्लू ब्लू आ रहा है, सही है। और उसके बाद एक आ गया कैच, ये लेता है एक पैरामीटर विच इज उसके अंदर पास होता है आपका एरर, ठीक है। किसी किस्म का कोड पे एरर नहीं आ रहा, जिसकी वजह से कोड आपका सही सलामत चल रहा है, सेम चीज, ठीक है। console.log एरर में लाइन नंबर 7 में यहाँ पे हम लिख लेते हैं एरर, ERROR एरर फाउंड, और यहाँ पे पास कर दिया मैंने एरर, सही है। ट्राई कैच आपके पास एक ब्लॉक है एरर हैंडलिंग का, ट्राई में आप वो लिखते हो जब आपका काम सक्सेसफुल हो जाए तो वहां चलेगा, और कैच में जब आपका काम रिजेक्ट हो जाए या ना चले या किसी किस्म का एरर आए तो वो आप यहाँ लिखते हो, ठीक है। यस, एक किस्म का। अच्छा यहाँ पे मैंने लिखा इफ, यूजर इनपुट डबल इक्वल टू अहमद, तो आप क्या करो कंसोल डॉट लॉग करा लो यूजर इनपुट को, ठीक है। और एल्स अगर हमारा काम नहीं चलता, ठीक है, क्योंकि एल्स में जब हमारा काम नहीं चला या किसी किस्म का भी कोई और एरर आ गया तो वो लाइन नंबर 14 में मिलेगा, ठीक है। किसी किस्म का हमारे काम से हट कर कोई और एरर आ गया तो वो हमें लाइन नंबर 14 में मिलेगा, नहीं डालने की जरूरत नहीं। लेकिन अब लाइन नंबर 9 की बात करते हैं, लाइन नंबर 9 में हमें बता रहा है भाई कि आपके पास जो है एल्स में आपको क्या प्रोवाइड कराना है, एल्स में किस्म का हमें एरर दिखाना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा एक कीवर्ड है आपके पास थ्रो, सही है, जो कि आपके जो भी सिंटैक्स होगा, लाइक मैंने थ्रो में लिख दिया इनवैलिड नेम, सही है। ये आपके मैसेज को उठा के कैच के एरर में पास कर दे, क्या ERR में डाल देगा, ठीक है। चला कर देखते हैं, उम्मीद कर रहा हूँ कि कोई मसला ना हो। वो आप चलाता देख तो लो, आपने शायद बात सुनी नहीं सही से। सेव किया मैंने लाइन नंबर 6 और लाइन नंबर 15, क्लियर है। AHMED लाइन नंबर 6 चल गई सक्सेसफुली, हमारा ट्राई का ब्लॉक सक्सेसफुली वर्क कर रहा है,
और मैंने लिखा है ALI लाइन नंबर 15 एरर फाउंड इनवैलिड नेम। जब उसको आपकी कंडीशन नहीं मिली, थ्रो में हमने एक मैसेज सेट करा इनवैलिड नेम, थ्रो ने बोला भाई मेरे पास एक मैसेज आया है, वो उसने कैच में एरर को पास किया, एरर में जो है एरर फाउंड हमने लिखा हुआ, तो वहां हमारे पास सक्सेसफुली एरर में हमारा मैसेज पहुंच गया। थ्रो जो है हाँ एक किस्म का एरर के लिए यूज हो, ये सक्सेस के लिए यूज नहीं होगा, सक्सेस जब मिल गया उसको तो आप दिखाओगे ना सक्सेस का, आप नहीं नहीं इसके अलावा और कोई यूज नहीं है। थ्रो एक किस्म का ये कर रहा है, अगर मल्टीपल कैच या कैच एक ही हो, कैच एक ही हो, एक ही हो, और इसके नीचे एक और कंडीशन बनाई है एल्स इफ करते जाएं, उसका भी कैच यही हो, जितने मर्जी एरर आएंगे वो यहीं आएंगे। चलो एक और एग्जांपल करते हैं आपके लिए, एल्स इफ यूजर इनपुट डबल इज इक्वल टू टुडे, अगर टुडे लिखा आ जाए तो थ्रो करो लास्ट क्लास, ठीक है सेव करते हैं, TODAY एरर फाउंड लास्ट क्लास, दो एरर आ गए, हर किस्म का एरर आपके पास कैच में शो होगा इफ इट फाउंड इन थ्रो। क्या यस, क्योंकि थ्रो क्या करता है, थ्रो आपका एक मैसेज लेता है और जब उसका मैसेज मिलता है लाइक आपने मैसेज दिया हुआ ना, कैच का लाइन नंबर 10 में जो पैरामीटर पास हो रहा है ERR वो उसको पास कर देता है, और यहाँ मैंने कैच में दिखाया हुआ है कि भाई एरर फाउंड में आप ERR सेट करवा दो। क्या इनवैलिड नेम इस वजह से नहीं दिया क्योंकि मैंने बोला था यूजर इनपुट अगर टुडे हो, आओ दोबारा देखते हैं टुडे, अगर यूजर इनपुट टुडे हो ठीक है, कहाँ देख रहे हो तुम, इधर बिठाना पड़ेगा तुम्हें, सही है ट्राई कैच सबको समझ में आ गया, इजी है हाँ वही दिखाने लगा। अगर कोई सर्च बार बना लेते हैं आप तू जो सर्च बार बनाने को दिया है तो हमारे पांच नाम है पर तो गलत नाम डाले था उसको ये शो कर दे करा तो रहा है। देखो ना ऊपर इधर क्या है, लास्ट लास्ट भी एरर है, इनवैलिड नेम भी एरर है, कुछ और लिखे इनवैलिड नेम, ये जो भाई बोल रहे हैं चलेगा क्या, ये जो बोल रहे हैं कैरे बनाएंगे हाँ सही है, उसके बाद उसका जो गेट पार्ट नाम है फिर उसको ट्राई और कैच करना डालेंगे फिर फेच करके, हाँ अगर उन पांच के अलावा कोई डालेगा तो वो कैच डाल देगा, लोकेशन डाल देगा गेम वाले की चलेगा ना, आपको एंटर मारने पे नहीं चलाना, मैंने ए लिखा चल जाए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो आप कुछ तो देखो यार, अभी आपने ऑन क्लिक पढ़ा है, ऑन क्लिक क्या करता है बटन क्लिक पे चलता है, आपको बटन दबाने पे चलाना है कुछ होता है वो मैंने कल देखा है, देखा है ना, तो बस उस पे चलाना है कुछ नहीं, ये तो और होगा, मैं समझ गया ये बोल रहा है कि जो एरे होगी अगर आप वन बाय वन सेट करा लो उनमें से मिल जाए तो दिखा दो, वरना फिर बोल दो भाई नेम फाउंड, ये नहीं करना। चलो अगर आप इस तरह करवा भी दोगे तो जैसे ये कह रहा है तो भाई वन बाय वन मैंने एक माइनस किया तो कैसे करोगे, सर्च बार की बात कर रहे हो ना, नहीं नहीं भाई एक ही कंडीशन बनेगी, ये जो कॉम्प्लेक्स काम बता रहे हैं ये वाला काम तो है ही नहीं,
सही है। चलो भाई क्या चला नहीं, नहीं वो चला नहीं, वो जो है जावास्क्रिप्ट सपोर्ट नहीं कर रहा, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट नहीं बता, नहीं चल रहा क्योंकि वो रिएक्ट में चलता है इसलिए। नहीं कुछ नहीं करना, आप बिना एक्सटेंशन के काम करो। सही है, तो ट्राई कैच सबको समझ में आ गया, ठीक है। एपीआई का कोड किसी को रिवाइज करने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है, वो ही बताने लगा उसी के लिए बोल रहा हूँ, रिवाइज करने की जरूरत तो नहीं। एग्जॉस्ट वाला नहीं बढ़ा रहा वो इस नहीं, मैंने ये नहीं बोला था, मैंने बोला था आपका जो काम मैंने एपीआई कॉल करवाई है उसका अल्टरनेट पढ़ाऊंगा मैं, फेच वाले का ही। नहीं नहीं बात आप मेरी समझी नहीं, एपीआई कॉल का एक मेथड पढ़ा था हमने डेन और कैच से, सही है, अब उसका अल्टरनेट काम होगा अब। नहीं नहीं वो ये नहीं था, वो अभी करने लगे, ठीक है। क्योंकि मोस्ट रिकमेंडेड है भाई, क्योंकि लोग बोल दोनों चल रहे हैं। एक्सियोस के लिए कॉन्फ़िगरेशन जो जो अपना एक दिन जाया करना चाहता है वो पहले कर ले, जो नहीं जाया करना चाहता वो फिर चला ले। लेकिन एक दिन लगाना पड़ेगा पहले, एक दिन अगर दो घंटे तुम कोडिंग करते हो, अगर दो घंटे कोड करता है दिन में कोई, सही है, तो दो घंटे कॉन्फ़िगरेशन करेगा पहले और फिर अगले दिन दो घंटे लगाएगा। वो इस वजह से कि अगर आप जावास्क्रिप्ट पे लगाओगे तो आपको कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करने पड़ेंगे, सीडीएन लिंक्स लगाने पड़ेंगे, फिर देखना पड़ेगा चल भी रहा है नहीं चल रहा, अगर नहीं चल रहा तो इंटरनेट से उससे कॉन्फ़िगरेशन देखो, देख के करो, ये सब नहीं, ये सब नहीं, ठीक है। तो ये क्या क्या भाई एक्सियोस कुछ और है, अल्टरनेट में भी पढ़ा रहा हूँ, सही है, एक्सियोस को भूल जाओ, वो किसी काम की चीज नहीं है, सही। वो इस वजह से कि आपको आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अल्टरनेट उसको पढ़ा रहा हूँ। चले आगे बढ़े, क्या एरर में दिखाने के लिए थ्रो में आप यहाँ सेव कर दो, मैं समझा नहीं बात, पाथ में जो होता है टेम्पलेट डाटा सेव होता है जावास्क्रिप्ट के थ्रू, पाथ में तो एपीआई का यूआरएल जाता है, टेम्पलेट उसमें डाटा सेव होता है। अच्छा चलो, तो इस परमानेंट कैसे होगा, परमानेंट उसी वक्त होगा जब वहां से डेटा किसी डेटाबेस में जा रहा होगा, डेटा परमानेंट होता ही तब है जब किसी डेटाबेस में जा रहा हो, वरना वो किसी काम का नहीं है। आपने एक दफा चीजें मन करी है, सिस्टम मन करा, दोबारा वो नहीं आएगा, वो गया, समझ गए। डेटाबेस में पड़ी हुई थी तभी तो आ रही थी, लोकल स्टोरेज नहीं थी, वो पैच की थी, डेटाबेस में पड़ी हुई थी, क्लाउड से मंगवाई थी। नहीं जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि जब वो कहीं पे रखी हुई है तो हम क्यों रखें वो कहीं पर, और उसके पास डिलीट हो गए तो वो डिलीट करेगा ही नहीं क्योंकि उसके ऊपर लिखा हुआ फेक रेस्ट एपीआई इट विल नेवर बी डिलीटेड। अगर अपना डेटा भेजना चाहे तो भाई चीजें खुद भी पढ़नी पड़ती है, हर चीज आपको नहीं मिल जाती बनी बनाई। एपीआई कॉल करने का हम जो है एक ऑल्टरनेट मेथड पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ जिसको पहले वाला काम नहीं आता ना वो नुकसान उठाएगा, सही है। तो अभी ये वाला काम सीख के आपको बड़ा अच्छा सा लगेगा कि यार ये बहुत आसान काम है, ठीक है, लेकिन फिर भी पहले वाला काम जिसको नहीं आता वो नुकसान उठाएगा, सही है, वो नुकसान उठाएगा। देन कैच जिसको नहीं समझ में आ रहा ना, समझ में आ गया ना, तो बस ठीक है, अब नया वाला काम पढ़ने का फायदा है। आपने पढ़ाया है, हाँ सही है, जैसे कि आपने बोला था कि मैप वाला काम अच्छे से समझ में आया इस वजह से कि उसको लूप की प्रैक्टिस थी, ठीक है, जिसको प्रैक्टिस थी उसको आगे वाला काम ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन अभी वाला काम क्योंकि आसान है
और नीट एंड क्लीन कोड है, तो जिसकी वजह से आपको ये काम बहुत आसान लगे, आप बोलोगे देन कैच कब यूज भी करेंगे। ठीक है, गलत नहीं है ना, ये बात सही है। सेव एपीआई यूआरएल लिख लिया मैंने, चेक कर लेते हैं हमारे पास आ रहा है। क्लिक करने पे हमें डेटा भी मिल रहा है। सही है, एरर हैंडलिंग के लिए अभी क्या बताया था, ट्राई कैच, ट्राई कैच का ब्लॉक बना लेते हैं। ट्राई कैच का ब्लॉक बन गया, सीएल एरर, सबसे पहले आपको ये सेलेक्ट करना है क्योंकि यहाँ पे किसी किस्म की कोई और चीज नहीं आएगी। जितने किस्म के एरर आएंगे और जितने मर्जी आएंगे वो आपके सब सॉल्व होकर यहीं आ जाएंगे। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं किसी और चीज की, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। बताओ क्या होता है, बताओ बताओ। अगला चला दे और जब वो चल जाएगा, फुलफिल हो जाएगा तो वो सक्सेसफुल चला देगा, नहीं तो फिर वो एरर चला देगा। ठीक है, अच्छा जावास्क्रिप्ट में ES7 में और ES8 में एक नई चीज आई थी, उसने देन क्या ES9 चल रही। ठीक है, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं। ES8 में आपके पास एक चीज आई जावास्क्रिप्ट में, उसका नाम है एसिंक अवेट। ठीक है, एसिंक अवेट, एसिंक अवेट, उसने रिप्लेस कर दिया देन और कैच को। उसने रिप्लेस कर दिया देन और कैच को, ठीक है, लेकिन रिप्लेस ऐसा नहीं कर दिया कि वो डिप्रिकेट हो गया, बस ये बोला भाई आओ मेरा कोड देख लो और अपना कोड देख लो। जब लोग एसिंक अवेट के पास गए, बोला हम देन कैच के पास नहीं जाएंगे। ठीक है, आपको इस वजह से भेजा कि देखो कोई लाइब्रेरी कहीं से उठाओगे, कोई चीज कहीं से उठाओगे अपने इस्तेमाल के लिए, वो देन कैश में यूज अगर हुई भी होगी, और अगर आपको देन कैश आता है तो आप उसको एसिंक अवेट में कन्वर्ट कर सकते हो। अदरवाइज आपको अगर नहीं आता तो बोलोगे यार इससे काम चल रहा है ना, करना मुझे आता नहीं है, इसी से चलने दो। ये काम की बात हम करा रहा हूँ ना, मैं करा रहा हूँ भाई। सही है, दूसरी बात ये मेरे साथ हुआ था दूसरे इंटरव्यू में, बोला भाई यहाँ पर जो है 10 APIs दे दी थी मुझे, मेरा इंटरव्यू टेस्ट दिया था हैश पैकेट्स में, डिफेंस में सॉफ्टवेयर हाउस। उन्होंने बोला था ये 10 APIs हैं, सारी पोस्टमैन पे रन करके देखो जो चल रही है ना वो उनके क्या पोस्ट, क्या अरे पोस्टमैन बोला है मैंने, पोस्टमैन बोला भाई। वो आप जो नई नई चीजें ला रहे हैं ना वो आप खुद पढ़ो जाके, वो हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं है। ठीक है, पोस्टमैन एक API टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। मैं एक काम करता हूँ, ये देखो, अच्छा पोस्टमैन की तरह एक और प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है थंडर क्लाइंट, थंडर क्लाइंट। ठीक है, उसे कुछ कॉन्फ़िगरेशन होती है, अगर वो आपको करनी आ जाए तो आप कर सकते हो। सही है, मुझे 10 APIs दी, बोला कि इनको पोस्टमैन पे चलाकर देखो कि इनमें से कितनी चल रही हैं। जब आपको पता चल जाए जितनी चल रही हैं, फिर आपको क्या करना है कि हमने जो है ये एक फाइल है यहाँ पर उसके सॉल्यूशंस पड़े हुए हैं, आपको वो सॉल्यूशंस किसी अल्टरनेट में करके दिखाने। तो सही है, दोबारा सुनो, 10 APIs दी, मुझे पोस्टमैन दिया।
सही है, अभी यहाँ पे मैं पॉज हो रहा हूँ, ठीक है, पॉज, पोस्टमैन कीजिए, अभी आप सपोज करो थंडर क्लाइंट, आ जाओ, कंट्रोल माइनस माइनस माइनस, थोड़ी देर के लिए इस वजह से किया ताकि मुझे मेरा ये जो लेफ्ट बार है ये दिखे, ठीक है। एपीआई का यूआरएल मैंने कॉपी किया, कॉपी, थंडर क्लाइंट पे मैं आया, ठीक है, मैंने बोला न्यू रिक्वेस्ट, थंडर बार मैंने क्लोज किया, इधर से थोड़ा प्लस कर लेता हूँ, प्लस प्लस, ठीक है, मैंने यहाँ पे बोला गेट मेथड यूज होगा। अब ये चीज कैसे होगी वो आपको वक्त के साथ साथ पता चलेगी। और यहाँ मैंने अपना यूआरएल पेस्ट किया, पेस्ट नहीं हुआ, सी, और यहाँ पर मैंने अपना यूआरएल पेस्ट किया, ऑथ में कुछ नहीं है, बॉडी में कुछ नहीं है, हेडर्स नॉट रिक्वायर्ड, एक्सेप्ट स्लैश, सही है, रिक्वेस्ट सेंड, जो डेटा मेरा वहां था मेरे पास आ गया, जबरदस्त, ठीक है। इसी तरह का एक प्लेटफॉर्म है पोस्टमैन, उन्होंने बोला 10 API लो, चेक करो कौन कौन सी चल रही हैं, जैसे ही रिजल्ट आ गया जो चल रही है ना, फिर मुझे एक जावास्क्रिप्ट की फाइल भी दी, बोला यहाँ पर हमने इसके सॉल्यूशन रखे हुए हैं, ठीक है, जो सॉल्यूशन रखे हुए हैं उनको किसी ऑल्टरनेट मेथड से करके दिखा दो, अगर आप ये कर लेते हो तो हम आपको हायर कर लेंगे। मतलब देन कैच से करके रखी हुई है हमने एपीआई सॉल्व, आपको किसी ऑल्टरनेट मेथड से वो करके दिखानी, एसिंक का वेट से करके दिखा दो, क्योंकि ट्राई कैश तो आपका नॉर्मल काम भी कर रहा है ना, सही है, एसिंक का वेट आपकी एपीआई कॉल करेगा। एसिंक क्या बोलता है, एसिंक्रोनस, अवेट बोलता है वेट। एसिंक्रोनस आपके फंक्शन के स्टार्ट में लगता है, एक ES8 का कीवर्ड है, ठीक है, कब लगता है, फंक्शन के स्टार्ट में, क्योंकि ये इसका रूल है, आप डॉक्यूमेंटेशन जाके पढ़ लो, ठीक है। अवेट कहाँ लगता है, जो लाइन आपको सॉल्व करनी हो, जो एपीआई आपको कॉल करनी हो, उसके स्टार्ट में लगता है। एसिंक्रोनस क्या बोलता है, फंक्शन चलाया, सबर करो, बाकी जो चीजें चल रही हैं उनको चलने दो, और जब वो अवेट तक पहुंचा, बोला सबर करो जब तक एपीआई का रिस्पॉन्स नहीं आ जाता, ठीक है, हम चला कर देखते हैं हर चीज। हाँ हो गया था, ठीक है, आओ यहाँ पर मैं आया, एपीआई जब भी कॉल करो और उसको किसी वेरिएबल्स में जब रखना हो तो रिकमेंडेड नेम है उसके लिए रिस्पॉन्स, क्या रिकमेंडेड नेम है, रिस्पॉन्स। हम अपने कोड को थोड़ा सा और अच्छा करने के लिए हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं, उसके अंदर इसको रख लेते हैं, एक्स कॉन्स्ट एपीआई कॉल इज इक्वल टू फंक्शन, एपीआई कॉल को कॉल कर लिया, और इसके अंदर हमने अपना रख दिया ट्राई कैच का ब्लॉक, अभी तक किसी को मसला तो नहीं है, सही है, ओके। मैंने बोला लेट रिस्पॉन्स is equal to fetch console.log response console.log response, then catch कुछ नहीं, कोई मसले वाली बात नहीं, बस इतना सा कोड है, आपका सब कुछ करके दे देगा, हैं? fetch जो method हमने ऊपर से कॉल करेगी, नहीं नहीं ये तो built-in method है, बिल्टन मेथड है भाई, क्या कर रहे हो तुम, सही है, चला कर देखते हैं, एरर एक्सपेक्टेड है मेरी नजर में, देखते हैं क्या आता है। लाइन नंबर 29, अच्छा एपीआई में कुछ रखा तो है नहीं, एपीआई यूआरएल रख दिया मैंने, ठीक है, लाइन नंबर 29 या 33, सही है, चलाएं, एरर एक्सपेक्टेड है मेरी नजर में, सेव किया, प्रॉमिस पेंट, उसने बोला भाई आपका प्रॉमिस रिजॉल्व हो गया है, लेकिन हम आपको कहां दें, क्योंकि जब पहले हमने जावास्क्रिप्ट से फेच से कॉल किया था तो उसने जब फुलफिल कर दिया था तो यहाँ पे एरे 10 लाकर दिया था, अगर किसी को याद हो तो, ठीक है, लेकिन अभी उसने कुछ ला के नहीं दिया,
क्योंकि हमने उसको बताया नहीं कि आपको वेट भी करना है और आपको एसिंक्रोनस कब चलाना है, क्योंकि एपीआई कॉल एसिंक्रोनस ही चलती है, ठीक है। एसिंक्रोनस के लिए हम लगा लेते हैं एसिंक अवेट इंस्टेड ऑफ देन एंड कैच, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला था, किसी भी फंक्शन के स्टार्ट में एसिंक लगता है और जहां पर आपकी एपीआई कॉल हो रही है उसके स्टार्ट में अवेट लगता है। एपीआई कॉल हमारे फंक्शन का नेम है, फंक्शन स्टार्ट हो रहा है यहां से इज इक्वल टू के बाद से, तो यहां लगा दिया मैंने एसिंक, सही है, पर्पल कलर में आ रहा है, सही है, ब्लू में आ रहा है, ठीक है। और क्या क्या जावास्क्रिप्ट का, ये सेट भाई जिस ये कलर मतलब रंग बिरंगी जो चीजें आ रही है ना वो बिल्ट इन इनकी, सही है, ओके। फेच जहां पे कॉल हो रहा है यहाँ पे हमने बोला अवेट फेच, सही है, जहां पे आपकी एपीआई कॉल हो रही है उससे पहले, ठीक है, आपके वेरिएबल्स में जहां आपने एपीआई कॉल करी उससे पहले। क्या मतलब, दोबारा से समझते हैं, फंक्शन कॉल किया उस हमने बोला भाई फंक्शन को एसिंक्रोनस चलना, जब तक रिस्पांस ना आए अगला काम हो उसको चला देना, ठीक है। जब वो यहां तक पहुंचा उसने बोला रिस्पांस नहीं आ रहा तब तक के लिए वेट कर लो, ठीक है, आओ चला कर देखते हैं लाइन नंबर 29 में क्या इश्यू है। सेव किया, टू हंड्रेड आ गया, पहले दिन में हमारे पास यही आया था, ठीक है, हमारा 200 आ गया, सक्सेसफुल रिस्पांस हो गया, उसके नीचे हमें जो है एक और देन लगाना पड़ा था, ठीक है, ठीक है, सही है। इसमें देखो क्या होता है हमारे पास, मैंने बोला अब एक काम हो गया मेरा, लेट एक्चुअल डेटा इज इक्वल टू अगेन अवेट, क्या करो रिस्पॉन्स डॉट जेसन, एक्चुअल डेटा सेव, मिल गया एपीआई का रिस्पॉन्स, देन कैश की जरूरत नहीं पड़ी, नीट एंड क्लियर साफ सुथरा कोड है, छोटा सा कोड है यार, बात इतनी नहीं हो गई, बहुत बहुत आसान हो गई। दो दफा डॉट देन लगाना पड़ा था, मैं इतना हार्ड काम बना के दे दूंगा ना कि 10 दफा से भी नहीं होगा। और इधर फिर क्या करोगे, 10 दफा एक एक लाइन लिखेगी अवेट की और वो सारा मसला हल हो जाएगा, क्योंकि देन में क्या होता है आपके पास अगले जो पिछला प्रॉमिस है उसके रिस्पॉन्स में क्या मिल रहा है, अगले रिस्पॉन्स के कॉल बैक में, ये चीज समझना आसान काम नहीं है। एक देन का सक्सेस कॉल बैक है, उसका आप रिटर्न करा रहे हो वो नेक्स्ट देन के कॉल बैक में मिलेगा, वो रिटर्न करा रहे हो वो नेक्स्ट देन के कॉल बैक में मिलेगा, उससे बेहतर ये नहीं है कि बंदा भाई अवेट लगा के काम करा ले, किसी किस्म का कॉल बैक का झंझट नहीं, किसी की सही है, जो एरर आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा, वो भी इससे हो जाएगा। ये आपके पास दूसरा तरीका है, वो नीचे कर सकते हैं, जितनी फंक्शनैलिटी करेंगे ट्राई में करें, एपीआई कॉल होगी ज्यादातर, एपीआई कॉल उस वक्त होगी जब आप एसिंक अवेट यूज करोगे, अदरवाइज ट्राई कैश के अंदर जो मर्जी करो, इफ एल्स लगाओ, कैलकुलेटर बनाओ या टू डू लिस्ट बनाओ, वरना यहाँ पे आ हटा के देख लें रिस्पॉन्स, पहले देख लेते हैं रिस्पॉन्स चल रहा है, ठीक है, अवेट हटा देते हैं, प्रॉमिस पेंडिंग, आपने उसको रुकने का बोला हुआ है इस वजह से, इवेंट लिस्टनर यार इम्पोर्टेंट नहीं है, ऑन क्लिक सारा काम कर, क्या नहीं भाई वो इस वजह से, आप जब भी कोई वीडियो लिखा करो ना उसके आगे अपने साल का नाम भी लिखा करो, 2018-19 की वीडियो नहीं देखो, सही बता रहा हूँ,
15 16 की वीडियो देख रहे हो, 16 17 की वीडियो देख रहे हो, अब कोई नहीं करा रहा वो। वैसे बता रहे हैं कभी लेना पड़ता, क्या लेना पड़ता है भाई देखो उसको, वो मैं इस वजह से नहीं बता रहा कि जैसे कि आपको सेट इंटरवल को रोकना पड़ता है, इवन एड इवेंट लिस्टनर को भी रोकना पड़ता है। ये देखो भाई एड इवेंट लिस्टनर, ऑन क्लिक और इसमें ये फर्क है सिंपल सा, डिस्प्ले नन और विजिबिलिटी हिडन का फर्क पता है? देखिए कोई और बताए, डिस्प्ले नन आपने बताओ। नहीं यार ये किस तरह जवाब है यार, हाई कोई फकबूल तरीन जवाब दिया है। जुबैर को, जुबैर को पता होना चाहिए, जुबैर को पता होना चाहिए। ऐसा नहीं करो यार, बताओ। अरे मैं बताता हूँ, मुझे याद आ गया। हाँ सर, डिस्प्ले नन के अंदर दोनों में से कोई एक है, डिस्प्ले नन के अंदर ये होता है कि क्या लगा हुआ होता है, कुछ आपने इमेज लगाई हुई, कुछ भी लगाई हुई, इसको हाइड करना है आपने, तो विजिबिलिटी हिडन कर दिया। और डिस्प्ले नन में जो है वो भी देखो, एक दो तीन चार पाँच, सही है, ये आपके पास 5 नेव बार है। मैंने इस वाले को अगर डिस्प्ले नन कराना, ठीक है, इसको मैंने क्या किया, डिस्प्ले नन, तो नेक्स्ट रॉ में मुझे पता क्या शो होगा, 1 2 3 4 इस तरह शो होगा, खत्म हो जाएगा और हिडन से वो खाली पक्की जगह पे रहेगा। 1 2 3 4 5 विजिबिलिटी हिडन ये करेगा, उसकी जगह खाली छोड़ देगा। तो सही नहीं बता रहे, देखो किसी को भी नहीं समझ में आया, ठीक है। तो इस वजह से विजिबिलिटी हिडन यूज नहीं होता, ये काम कर रहे इवेंट लिस्टनर, क्योंकि जब उसको आपने किसी बटन पे चला दिया ना, तो किसी तरीके से उसको रोकना भी पड़ेगा। ऑन क्लिक डिस्प्ले नन है किस्म, इस वजह इसको पढ़ने का फायदा नहीं है। सर बस, लेकिन किसी टाइम पे आकर उसको रोकना पड़ता है, रिमूव लिस्टनर करना पड़ता है उसको, जिसकी वजह से फायदा नहीं है ना उसका। एक्चुअल डेटा अपडेटेड वर्जन यही है, अब एपीआई इंटीग्रेशन का अपडेटेड काम यही है। इसमें जो किस किस्म का भी जो एरर आएगा, 10 किस्म के भी एरर आएंगे, वो आपके पास लाइन नंबर 34 में आ जाएंगे। सर हो सकता है न्यू इसका पूछ सके कि वो अवेट देते बोले, इसका अल्टरनेट बताओ, फिर 10 और कैश में। यार एक इसका मजीद अल्टरनेट आया है, लेकिन वो अभी चल नहीं रहा है। मैंने चला जो भी अल्टरनेट आता है, सबसे पहले मैं देख लेता हूँ। वो अल्टरनेट ये है, ये जो अवेट है इसकी लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन चल नहीं रहा है अभी, आपके सामने नहीं चला ना अभी तक, मॉडर्न ब्राउज़र इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। नहीं नहीं नहीं, ये बोला कोई और अपडेट इसके बदले की आई है, अपडेट आई है, वो कह रहे हैं अब जो है ना, ये जो अवेट है इसको नहीं लगाओ, बस कुछ नहीं करो, चला देंगे। हाँ लेकिन चल नहीं रहा है, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था,
कोई भी चीज हो रही ना, कोई भी चीज आपके अपडेटेड हो या जो भी वर्जन यूज करो उससे एक कम यूज करो, बिल्कुल अपडेटेड वाले में मसले मसाइल होते हैं। ठीक है, तो इसके फंक्शन से या देन कैश फंक्शन से आपको वेदर ऐप बनानी है, इससे करो या देन कैश करो, बताओ भाई। लाइन नंबर आपने ट्वेंटी नहीं। एक्सेल हाँ डेटा का एक वेरिएबल बनाया है सही है, उसके बाद अवेट लिखा वो तो समझ आ गया कि वेट कर रहा है रिस्पॉन्स की मतलब एपीआई के रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स कर ठीक है, क्यों? क्योंकि फेच बोलता है मेरा डेटा आपको जेसन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यही चीज अगर आपको एक्सियोस में होती तो लाइन नंबर 29 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, क्या एक्सियोस हमने चलाया ही नहीं ना? मैंने बोला आपको लाइन नंबर 29 हमने इस वजह से लिखा क्योंकि फेच बोलता है मेरा डेटा आपको जेसन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अगर आप एक्सियोस यूज करते तो लाइन नंबर 29 में नहीं लिखनी पड़ती, रिस्पॉन्स में डायरेक्ट आपके पास एक्चुअल डेटा मिल जाता। नहीं 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 भाई, अगर छीने भी जाए अगर उसके हो तो ये सही आसान है इससे कर ले सही आपने सारी फंक्शंस की लिस्ट बनाई भी आप चेक कर दो इसका अपडेट और कहां गया इसका आ गया किस तरह से था जैसे कि ये अपने सारी चीजें किस किस का अपडेट आया नहीं आया मैंने ये सर्च की भी आज चीजें आ रही हैं, अपडेट इन रिएक्ट नेटिव, अपडेट इन रिएक्ट हुक्स, ऐसी चीजें देखो और उनका पढ़ो और फिर उसमें से देखो कौन सी चीज आपके काम की है वो यूज करो, जो नहीं काम की उसका देखो कि मार्केट किस तरह यूज कर रही है, क्योंकि हर चीज आपके काम की नहीं है। सही है, मेन चीज क्या है, आपको मुश्किल से काम निकालना आता हो अभी जैसे थोड़ी चार। थोड़ी चीजें होती होंगी जो बार बार यूज हो रहे हैं बाकी तो जो इतना सारा पढ़ाया है उसके अंदर तो खाली नॉलेज के लिए हाँ है ना नहीं, जो आपको पढ़ा है वो सारा यूज हो रहा है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक एक रुपए की भी फॉल्स में जा रही हो। परमिटिव डेटा टाइप्स, नॉन परमिटिव डेटा टाइप्स, इंटरव्यू का सवाल है। इतना आसान सवाल नहीं है, वो बोल देंगे भाई ऐसा, अगर अक्सर सवाल पता है क्या होता है कि ऐसा है तो ऐसा क्यों है, अब वो जो क्यों है वो प्रैक्टिस वाला जवाब दे सकता है, क्यों भाई ये तो आपको खुद पता होगा ना। प्रैक्टिस मैं क्या है, किस बात का जवाब? तो बता सकते वर्क ही नहीं करेगा क्योंकि आपको डेटा जो है अवेट करने के लिए आपने लगाया हुआ वो पेंडिंग दिखाता रहेगा प्रॉमिस, क्योंकि सवाल ज्यादा मुश्किल है, वो प्रैक्टिस पर डिपेंड है। ठीक है, और इसमें क्या पढ़े भाई, हम हमारी क्लास हो चुकी है, ये आपको पढ़ना है। ओपन ओपन वेदर मैप, सही है, करंट वेदर एंड फोरकास्ट, ये वेदर ऐप नहीं है, यहाँ से आपको रियल टाइम वेदर जो गूगल यूज कर रहा है उसकी एपीआई मिलेगी। नहीं, देने की जरूरत नहीं है आपको, तो उठाओ ना यहाँ से। सही है, अच्छा थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं इसकी, ब्लॉक हम डायरेक्ट आ जाते हैं एपीआई में। ठीक है, अच्छा क्या बोल रहे हैं भाई, मेक वन एपीआई कॉल एंड रिसीव ऑल एसेंशियल वेदर डेटा इन वन रिस्पॉन्स, हमने बोला सही है। ये दूसरी वाली ज्यादा अच्छी
ये रही आपकी एपीआई, यहाँ पर आप अपने लेट दोगे, यहाँ पर आप अपना लॉन्ग दोगे, यहाँ पे आप अपनी एपीआई की दोगे, ये सारी चीजें आपको खुद ही देनी। इधर से देख सकते हैं, सही है। लेट और लॉन्ग क्या है, आप जहाँ बैठे हुए उसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है, गूगल से देख के डाल दो, सही है। जहाँ बैठे हुए उसकी बता दो भाई, उसके हिसाब से ये वो प्लस फाइव प्लस टेन। अच्छा ऐप आईडी क्या बता रहा है, योर यूनिक एपीआई की, यू कैन ऑलवेज फाइंड इट ऑन योर अकाउंट पेज अंडर द एपीआई की टैब, अंडर द एपीआई की टैब। एपीआई की टैब किधर है, एपीआई की टैब, सही है। मेरा अकाउंट मांग रहा है, क्या अकाउंट डाला था मैं, बनाया हुआ तुमने, बस सही है। यहाँ पे जब आप अकाउंट बनाओगे ना, वो आपको ऐप आईडी बना के दे देगा, और ऐप आईडी आपकी यहाँ डल गई, लेट लॉन्ग आपके यहाँ डल गए, एपीआई आपकी कॉल हो। नहीं नहीं भाई, हमें वो ह्यूमिडिटी या शुमिडिटी नहीं चाहिए, जो भी कर लो आपको अच्छा लगेगा। सही है, आपको बैकग्राउंड चेंज कराना है, सही है, और जो है आपको एंटर का बटन नहीं लगाना है, अनस्प्लैश। नहीं भाई, आपको फंक्शनैलिटी पे दो इमेजेस रखनी है, अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन 15 है तो ये आए, वरना ये आए, ठीक है। कुछ चीजें नहीं पढ़ लेते हैं, ES6 की और हैं जो आपका काम आसान कर देंगे, सही। टर्नरी ऑपरेटर मैंने पढ़ाया था, क्या टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर आता है तुम्हें, सही है। बता रहा हूँ ना, इफ एल्स की जो है शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, और इफ एल्स में कुछ नई अपडेट्स हैं ES6 में, ES7 में, वो भी आपको बता देता हूँ, सही है। सी एक यूजर इनपुट मैंने दोबारा लिया और यहां मैं कंडीशन बना लेता हूँ चेक करने की, तीन कंडीशन बना लेता हूँ, यूजर इनपुट डबल इक्वल टू अहमद, तो कंसोल करा दो यूजर इनपुट, ठीक है, और एल्स इफ क्या मंडे को करा दूं, मंडे को करवा दूं, अगर यूजर इनपुट में आता है टुडे, ठीक है, तो यहां पर आ जाए लास्ट क्लास, सही है ना। मैं न्यू एडिशन बता रहा हूँ इकमा स्क्रिप्ट की, ठीक है, और फिर एल्स में आ जाओ, इनवैलिड इनपुट, पहले चला के देख लेते हैं, उसके बाद मेरा नहीं ख्याल का फंक्शन आपके साथ डिस्कस करने की जरूरत है। सेव किया, AHMED, सही है, लाइन नंबर 44 प्रॉपर चल रहा है। TODAY टुडे, लास्ट क्लास, ओके, इनवैलिड इनपुट, क्लियर है। अच्छा, ECMA स्क्रिप्ट बोल रहा है कि अगर आपकी कंडीशन एक लाइन की है, पक्का श्योर है
एक लाइन की है, सही है, तो मैं डिफॉल्ट पे जो आपका वैल्यू है, आपके रिटर्न है, वो कर दूंगा, मुझे ब्रैकेट की जरूरत नहीं। ठीक है, क्या मतलब देख लेते हैं, दोबारा बताता हूँ। एक बार स्क्रिप्ट इफ एल्स की कंडीशन में बोल रहा है कि अगर आपकी कंडीशन एक लाइन की है, सिर्फ एक लाइन की बस, नहीं नहीं इफ एल्स नहीं, मेरा मतलब है बल्कि चलो उसको भी छोड़ो, एक मैं स्क्रिप्ट ने बोला भाई ब्रैकेट्स मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ ये समझ लो, सही है, चला के देख लेते हैं क्या कहा उसने, ब्रैकेट हटा दो, ब्रैकेट हटा देते, एक मिनट, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, नौ लाइन हो रही है, ब्रैकेट हटाते हैं, बैक टिक्स की तो बात ही नहीं हो रही, कुछ और है भाई, क्या देख रहे हो तुम यार, एक मैं स्क्रिप्ट में बोला ब्रैकेट हटा दो मेरे पास से, मैं चला दूंगा आपका, जो नौ लाइन का कोड था वो तीन लाइन में आ गया, सही है, चला के देख लेते हैं, AHMED सही वर्क कर रहा है, TODAY सही वर्क कर रहा है, नौ लाइन है तीन लाइनों में आ गई, वो तो एक अलग चीज है ना, लेकिन ब्रैकेट्स आपके किसने रिमूव कर दिए, जितने मर्जी एल्जेब्रा डाल, वो मैं उसके वो जो बात था उसके सवाल का जवाब था, मैं गलत ला रहा था बीच, वो गलत ला रहा था बीच, ठीक है, तो ES6 ने बोला भाई एल्जेब के जो ब्रैकेट्स हैं वो मुझे नहीं चाहिए, हटा दो। अच्छा, जो एक लाइन वाली बात थी एल्जेब में, वो इसलिए आपके जो ब्रैकेट्स हैं अगर उनका रिस्पॉन्स एक लाइन में है, जैसे आपको एल्स में अगर मैं आ जाऊं, ये भी लिखना है तो ये भी लिखना है, एक लाइन है तो ब्रैकेट हटा दो, दो लाइनें हैं तो आप लगा दो, ये बोलना चाह रहा हूँ, वही ना, एक बात मैं बोल रहा हूँ, एक बात बोल रहा हूँ, ठीक है, अगर एक लाइन का रिस्पॉन्स है तो ब्रैकेट हटा दो, अदरवाइज ब्रैकेट लगा दो। नहीं 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 दे सकते भाई, मैंने एक एग्जांपल दी, अरे अंकल कहने का मकसद था एक्स ये करना हो साथ, इधर कोई दो चीज लगानी हो, जब दो लाइनें लिखनी हो ना तो ब्रैकेट लगा दो, एक लाइन लिखनी है तो ब्रैकेट हटा दो, क्लियर है, सबको क्लियर है, क्या हुआ उदयर, एक आखिरी चीज, एक आखिरी चीज पढ़नी है अभी, ठीक है, उसके बाद ES7 में आया आपके पास टर्नरी ऑपरेटर, सेवन में आया, ES7 में आया आपके, क्या हुआ, हाँ लिख दूंगा मैं, आपके टर्नरी ऑपरेटर, हाँ नहीं ये नहीं पूछेंगे ये कब आया, करता क्या है वो पूछेंगे आपसे, ये नहीं ये कभी भी नहीं पूछेंगे कि ये चीज कब आई, हाँ कैसे सॉफ्टवेयर हाउस है भाई, ये क्या पूछ रहे हो आप कब आई, ठीक है, अच्छा हाँ वो काम तुम बोलना काम की चीज पूछो, मुझे क्या पता क्या भाई, भाई मुझे पता है वो क्या करती है, आपसे ये पूछ लेंगे जावास्क्रिप्ट कब इन्वेंट हुई है, एक मास स्क्रिप्ट कब इन्वेंट हुई है, हाँ ये बात है, थोड़ी बहुत पढ़ लेनी चाहिए लेकिन, ठीक है, अच्छा एक मास स्क्रिप्ट में सेवन में आपके पास जो टर्नरी ऑपरेटर आया वो कहता है अगर कंडीशन बिल्कुल एक लाइन की है, इधर सुन लो भाई, टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं अगर कंडीशन एक लाइन की है तो मुझे यूज कर लो, वरना फिर एल्स इफ यूज कर लो, सही है, चला के देख लेते हैं, नहीं नहीं ये तो जावास्क्रिप्ट में मैंने ये बताए थे, अगर आपके पास ब्रैकेट में दो लाइन का रिस्पांस है तो ब्रैकेट यूज कर लो, नहीं तो ब्रैकेट हटा दो, सही है, आपको समझ में आ रहा है, सही है,
चलो आगे आ जाते, यूजर इनपुट मैंने ले लिया और इसमें हम यही चेक करेंगे, सही है। अभी सपोज करो हमारी कंडीशन सिर्फ ये है, अगर अहमद आ गया तो ठीक है, नहीं तो इनवैलिड। हमारी कंडीशन सिर्फ ये है, क्योंकि हमने क्या बोला, लाइन कंडीशन सिर्फ एक लाइन की हो तो सही है, दो लाइन की नहीं हो सकती, दो लाइन नहीं हो सकता ना। उसके लिए आपको कुछ छेड़खानी करनी पड़ेगी, लेकिन वो गलत होगी, उसके लिए आप एल्सिफ यूज करो ना, सही है। चलो एक वेरिएबल बनाता हूं मैं, लेट रिजल्ट इज इक्वल टू, टर्नरी ऑपरेटर का मैं कोड लिख रहा हूं, आप देख लो। सही है, अबे इधर देख लो भाई, एरर दे रहा है ना, सुनो तो सही, वो क्या क्या रहा है। ये आपके पास मैंने कोड लिखा है टर्नरी ऑपरेटर का, जो कि आपके क्या चेक करता है, सिंगल लाइन कंडीशन, जस्ट फॉर इट इज आल्सो ओनली फॉर सिंगल लाइन कंडीशन, ठीक है। पहला ब्रैकेट्स क्या बोल रहा है कि भाई मुझे कंडीशन डिफाइन करो, मैंने बोला यूजर इनपुट डबल इक्वल टू अहमद, कंडीशन डाल दी मैंने। क्वेश्चन मार्क बोला है अगर कंडीशन ट्रू हो जाए, क्वेश्चन मार्क क्या बोला है जो लगा हुआ है, अगर कंडीशन ट्रू हो जाए, मैंने बोला तो दिखा दो आप ट्रू, ठीक है। बाद वाला जो कॉलन है वो क्या बोल रहा है, अगर फॉल्स हो जाए, तो मैंने बोला दिखा दो फॉल्स, क्या बिल्कुल शो करेगा, आपकी सारी चीजें शो करेगा, क्या ऑटो जनरेटेड नहीं, आपको लिखना पड़ेगा भाई ऑटो जनरेटेड कहां से ला रहे, तो ट्रू दे तो रहा हूँ मैं भाई, उसके लिए मैं रिजल्ट बनाया तो है, रिजल्ट को कंसोल करेंगे आप, सीएल रिजल्ट, एएचएमईडी ट्रू आ गया, फॉल जाके क्या खा कर आए भाई तुम, अभी दे रहे हैं भाई लगा के दे रहे हैं वो भी, ट्रू हटा ही देता हूँ मैं, करेक्ट। एएचएमईडी करेक्ट, ये आपके पास है टर्नरी ऑपरेटर, यार दूसरी कंडीशन लगती तो है, पर जब वो बोल रहा है कि भाई आप जो है मल्टीपल कंडीशन के लिए इफ एल्स यूज करो, तो फिर क्या मतलब है भाई, उसके लिए आपको मल्टीपल टर्नरी लगाने पड़ेंगे, जो अभी के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, बच्चे भागना चाह रहे हैं, वो पढ़ ही नहीं रहा है। पांच मिनट का काम नहीं है, फिर तुम बोलोगे इसके अंदर और मजीद जाओ, ये बोल रहा है भाई अगर अहमद हो तो आप चेक कराओ सॉफ्टवेयर, जैसे वो क्या चेक कराओ उसके बाद, चौबीस हम चलो हम देख लेते हैं कि कैसे हो सकता है। मैंने एक और वेरिएबल यहाँ पे लिख दिया, लेट एज इज इक्वल टू 25, ठीक है। मैं टर्नरी ऑपरेटर को थोड़ा सा जो है इसका सिंटेक्स अच्छा कर लेता हूँ, नेक्स्ट लाइन में ले आया, ये अच्छा हो रहा है, ठीक है। अगर ये है तो ये दिखाओ, वरना ये दिखाओ, सही है। क्या नहीं भाई, ऐसा नहीं करना, ये बोल रहा है अगर कंडीशन हो तो उसके अंदर जाओ, ऐसा ही बोल रहे हो ना, कंडीशन बोले तो उसके अंदर जाओ, ये बोल रहा है, ठीक है, सही है। तो हम अंदर जाके देख लेते हैं, हमने बोला भाई करेक्ट हटा दो, करेक्ट खोला, सही है। अब जरा गौर से देखना, मुझे नहीं लग रहा ये हजम होने वाला है,
करेक्ट हो जाए तो अंदर चला जाए, अंदर एक और टर्नरी लगा हुआ है, ये है तो ये, वरना ये। अब कितना तुम इस तरह करोगे? ये समझ तो आ गया पर ये गुड नहीं है। क्या ये समझाएगा? ये मैं इस पर समझा रहा हूँ, ये समझाएगा, लेकिन ये गलत है, ये गलत है भाई, ये यूज नहीं करना। वो इस वजह से कि अगर वो बोल रहा है कि इस तरह करना चाहे तो कर सकते हैं, मैंने बोला कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला आप चेक करो एज, एज अगर है कितनी 25, ठीक है, तो फिर ट्रू, नहीं भाई वरना फॉल्स। अब अगर अहमद नहीं लिखा तो इनकरेक्ट चलेगा, सही है, और 25 तो लिखा हुआ है तो ट्रू आएगा, उसको चेंज करके देखेंगे तो फॉल्स आएगा। समझ आया? समझ आया? दोबारा चलाते हैं, पहले अहमद नहीं लिख रहे, इनकरेक्ट आ गया, ए एच एम ई डी ट्रू आ गया। अब वहां वहां पे जाए कर देते हैं 24, अब फॉल्स आना चाहिए। मल्टीपल टर्नरी ऑपरेटर हो गया। और सर इसको यूजर भी ले सकते हैं? कर सकते हैं, पर जब वो जब आपकी डॉक्यूमेंटेशन बोलिए कि भाई एक लाइन के लिए यूज करो तो झंझट फालने की जरूरत नहीं है ना भाई, आप एलसीएफ यूज करो। फिर ये आया इसलिए था, हमने इसको पता नहीं क्या बना दिया, सही है यार, इसका काम उस जगह पे आ रहा है। ये अच्छा सवाल है, ये अच्छा सवाल है, ये इस वजह से सवाल है, आप जब टू डू लिस्ट बनाओगे ना, आप बोलोगे एक बूलियन बनाओगे इज एडिटेबल, ये मैं आपको जो है ना एक किस्म का राज खोल रहा हूँ, टास्क का, इज एडिटेबल का एक बूलियन होगा जो इनिशियली फॉल्स होगा, ठीक है। आपके पास नहीं बता नहीं रहे, टू डू लिस्ट जावास्क्रिप्ट खोल लूंगा, ठीक है, क्रिएट टू डू लिस्ट, ठीक है। यहाँ पर देखो ऐड है, ऐड का बटन आ रहा है आपके पास, ये रहा, सही है। यहाँ पर आपके पास क्रॉस के साथ यहाँ पर एक बटन होगा पेंसिल का, विच इज फॉर एडिट, जब उस पर क्लिक हुआ तो सबसे पहले आपका एडिट का फंक्शन चलेगा जो आपके इज एडिटेबल का बूलियन है उसको ट्रू करेगा, ठीक है। आपने बूलियन के लिए यहाँ लगाया हुआ होगा, इज एडिटेबल पे अगर क्लिक हो गया तो अपडेट वाला बटन दिखाओ, वरना फिर एड वाला बटन दिखाओ। समझ में आई? बहुत ऊपर से गई, लेकिन मैंने आपको सॉल्यूशन बटन दोनों लगा देते हैं तो फिर ऐड करो अपडेट भी करो, ये क्या मतलब जब हमने एडिट पे प्रेस किया, एडिट पे किया तो तब जाके वो अपडेट वाला, अच्छी चीज नहीं है ना ये, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करो। एडिट और अपडेट में ये फर्क है, एडिट का बटन आपकी एडिटिंग की फंक्शनैलिटी को खोलेगा, अपडेट करोगे तो वो अपडेट होगा। एडिट जब आप करोगे ना तो आपका क्या क्या काम होगा, जैसे रीड अ बुक, जब आपने ई पे क्लिक करा, रीड अ बुक उठ के टाइटल वाली जगह पे चला गया, क्लियर है। एक मिनट, ऐड का जो बटन है वो रिप्लेस हो गया किससे? अपडेट के बटन से, ठीक है। अब आपने रीड अ बुक को, रीड अ बुक कंसोल लिखा और अपडेट पे क्लिक किया तो जो रीड अ बुक है वो रीड अ बुक कंसोल हो गया। क्यों अपडेट कर लें भाई, आपको ये चीज तो दिखाओ ना, कहाँ पर एडिट करें, प्रॉम्प्ट खोलोगे क्या? नहीं 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 यहीं वहीं पे नहीं करेंगे, कोई चीज तुम खोल नहीं रहे, कोई फॉर्म खोल नहीं रहे, कहाँ से एडिट होगा? मुझे इस बात का जवाब तो दो तुम, कोई फॉर्म आप खोल नहीं रहे, मुझे बताओ ना कोई चीज, कोई फॉर्म खोल नहीं रहे तो एडिट कैसे? जैसे रीड अ बुक लिखा रहा, हाँ ठीक है, यहीं पर वो जैसे यहाँ पे एक और फॉर्म खोल दोगे? नहीं, जैसे इनपुट बंद कर दिया, इनपुट फील्ड, इनपुट फील्ड आपको दूसरी बनाने की जरूरत नहीं है, जब एक बनी हुई है आप डेटा ऊपर फेंको ना, ये बोले यहीं पे खोल दें, यहीं पे क्या खोल दें यार, जो मैं अपनी चीज बता रहा हूँ, या इस तरह करना चाहो तो कर लो, मैं दोबारा दिखा देता हूँ भाई। सर आप वो तीनों असाइनमेंट से कुछ फोटो डालें सर अपना,
डिस्काउंट के मतलब किस तरह का आपको चाहिए? भाई बता तो दिया, सर्च बार ऑप्शनल है। नहीं वो नहीं, मैं बोल रहा हूं तो बोला के जैसे कि किस तरह का एक पूरा टेम्पलेट होता है, किस तरह की चीज होनी चाहिए, ये बता रहा हूं। ये टेम्पलेट ही तो है। ये है आपके पास क्रेड है, ठीक है दोबारा देख लो, यही बनानी है। आपने सिर्फ क्या करना है, मैं मेरी बात तो सुनो, करने क्या है, एक मिनट सुन तो लो सारे, इसके लिए मैं बहुत आसानी कर रहा हूँ, सुन तो लो, बहुत आसानी कर रहा हूँ इसकी। मैं सी ऑल यूजर्स पे गया, नो यूजर्स फाउंड, जब कोई डोटा नहीं होगा तो नो यूजर फाउंड दिखाओ, एक बात हो गई, ठीक है वापस जाते हैं। लोकल स्टोरेज नहीं करना, अबे नहीं करना भाई, लोकल स्टोरेज नहीं करना, लास्ट क्लास में आपको बोला था वो मैंने लोकल स्टोरेज के साथ देनी थी लेकिन कैंसिल कर दी थी, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा अहमद, कोई एडिशनल मार्क्स नहीं है भाई, नहीं अब ये बनाएगा सही है। और उसके बाद मैंने लिखा अहमद 1 2 3, यूजर क्रिएटेड, सी ऑल यूजर्स, आपके पास अहमद आ रहे लिखा हुआ, ये आपके पास, अरे बस अच्छा भाई, ये जो अहमद लिखा आ रहा है आपके पास यहाँ नीचे लिखा आ जाएगा, आपको दूसरे पेज पे नहीं दिखाना, मैंने तो दूसरे पेज पे दिखाया हुआ ना, आपको नीचे ही दिखाना है, सही है? अच्छा नहीं, दूसरे पेज पे दिखा दो, आप दिखा दो भाई ज्यादा अच्छे हो जाएगा, अपनी बल्ली ले रहे हो बिला वजह में, हाँ हाँ ज्यादा मसला हो जाएगा। अब इसमें एडिट डिलीट डिलीट ऑल ये सब भी तो है, ठीक है एक और कर लेते हैं, एमी है, चार हैं, सब कुछ है। ठीक है सबमिट किया, यूजर क्रिएटेड, सही है, सी ऑल में गए, और अब हमें दिख रहे हैं 3 यूजर्स, प्लस किया मैंने, थोड़ा सा और प्लस कर लूं, आपको भी जो है जो भी आपकी रॉ शो होगी आप तीसरा नहीं करवाओ फोल्डर का, लेकिन एडिट और डिलीट शो लाजमी करवाने, फोल्डर पे मेरे पास भाई ये शो हो रहा है कि भाई यूजर इन्फॉर्मेशन, हिज नेम इज अहमद एंड हिज ईमेल एड्रेस इज दिस, ठीक है आपको इसकी जरूरत नहीं है। अब अगर मैं मेहरान को यहाँ से डिलीट करता हूँ तो यूजर विद ईमेल आईडी mehran@gmail.com हैज बीन डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। और ये भाई जो बोल लेते हैं कि अगर हम वहीं से कोई चीज खोल दें तो ये चीज उनके लिए खोली है मैंने, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जादू क्या होता है, मैंने एडिट पे क्लिक करा, बूम ये निकल कर आ गई एक चीज, कोई फाइल आपकी मर्जी की वहीं पर आ गई, ऊपर वापस इस पेज पे नहीं जाना पड़ा। उसने मेरे को बताया भाई प्रीवियस डेटा में नेम अहमद है, ahmed@gmail.com है, ahmed123 है, मैंने बोला यहाँ पे अहमद राणा कर दूं, ठीक है बाकी चीजें मैं नहीं कर रहा क्योंकि बाकी चीजें मुझे वैसे ही चाहिए। अपडेट अपडेट सक्सेसफुली, अहमद राणा हो गया, हाँ सही। और अगर आप डिलीट ऑल यूजर्स करो तो जितने भी यूजर हैं सारे उड़ जाएं, ये बनाना सही, आपने रिएक्ट नोड एक्सप्रेस मंगोडीबी है, हाँ तो आप उसके लिए उसके साथ तो बनाओ फिर इसके आओगे, हाँ हाँ ये पढ़ाएंगे, ये पढ़ाएंगे रिएक्ट पढ़ेंगे ना, ये उसी के फीचर में मेन फीचर्स और मोस्ट यूज होने वाले फीचर यही जो आपने पढ़ ली, आपको प्रॉमिस पता होना चाहिए, क्लास पता होना चाहिए, एसिंक अवेट पता होना चाहिए, ट्राई कैश पता होना चाहिए, इसके अलावा जो है एपीआई कॉल के तरीके आने चाहिए, ये इम्पोर्टेंट चीज, बस लेट फॉर वार क्लास कंपोनेंट क्लास फंक्शन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाई, सही है।
आपने जो लोकेशन दिखाया था जावास्क्रिप्ट में हाँ भाई जो मर्जी करो आप करके दे। हाँ सही है सही है सही है, कोई मसला नहीं। आप वो ना लोकेशन वाला बड़ा बेहतरीन लगा, बस फिर हमने आपको बेहतरीन चीज ही पढ़ाई है। नहीं नहीं भाई आपको मैं बता तो रहा हूँ, आपको पॉपअप नहीं लाना, आपको वो इनपुट उसमें ले जाना है मटेरियल यू आई वो नेटिव पेज। पॉपअप कैसे जनरेट होगा? मैं आपको सिर्फ एक यहाँ पे सॉल्यूशन दिखाऊंगा, उसका कोई जवाब नहीं दूंगा, लेकिन क्योंकि वो आपको खुद ही करना है, उसका मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, वो उसके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। चल रही है शॉप कर दूँ सही है ना? अच्छा ये मैं भेज देता हूँ, बल्कि नहीं ये भी आप खुद ढूंढो। अच्छा बूटस्ट्रैप पे गए, और रीडॉक्स, और यहां पर गया मैं, मैंने बोला MODL मॉडल सही है। ये उसने मुझे मॉडल खोल के दे दिया, और इसके अलावा और मैं नीचे आऊं लॉन्च डेमो मॉडल, ये आ गया आपके पास मॉडल। यहाँ आप इनपुट लगा लो, जैसे आपका एडिट का बटन क्लिक हो ये अपेयर हो, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वहां पे क्या है जो आपका प्रीवियस नेम था, और यहाँ पर क्लोज पे क्या हो कैंसिल, कैंसिल करना चाहो तो यहाँ पे अपडेट, अपडेट करो तो वहां पे अपडेट हो, कर सकते हो सारे अगर करना चाहो तो। और इसके एडिशनल हाँ, और तुम्हें तो ये आता है अभी भाई, टाइम बहुत है। आपने जो मर्न क्रेडिट करके लिखा था, तो हम लोग तो सेम ऐसे जो यही चीज बना रहे बगैर मर्न यूज़ भाई, मैं बता रहा हूँ मैं जो इनपुट भेज रहा हूँ ना जी, मैं एक एपीआई कॉल कर रहा हूँ जो वो डेटाबेस पे भेज रही है, ठीक है, वहां जाके सेव हो रही है, और फिर जब मैं ऑल यूजर्स के पेज पर आ रहा हूँ, वहां पर जैसे आपको मैंने एपीआई कॉल करके 10 यूजर मंगवा के दिखाए थे, वहां पर मैं अपने यूजर्स मंगवा रहा हूँ वो प्रिंट करा रहा हूँ। सिखा दिया ना, तो ये चीजें आप साथ साथ सीख जाओगे जब आप लर्निंग पर्पस पे होगे, मतलब आगे वाले। नहीं नहीं मन में पूरा डेटाबेस लगा हुआ है, बैकएंड लगा हुआ है, आपने खाली जावास्क्रिप्ट पे करना है। आप जब रिफ्रेश करोगे ना उड़ जाएगा मेरा डेटा, देखो उड़ता नहीं है। कंट्रोल शिफ्ट टी 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 यस, मैं यहाँ पर दोबारा आता हूँ, UZAIR at रिफ्रेश कर रहा हूँ, यूजर नहीं जा रहा, आप रिफ्रेश करोगे सब उड़ जाएगा। रिफ्रेश करने से डेटा सिर्फ तब रहता है जब वो किसी क्लाउड से आ रहा हो, किसी डेटाबेस से आ रहा हो, ठीक है, ये बात है। नहीं नहीं MongoDB, इसके अलावा MongoDB के बाद सबसे अच्छा फायरबेस है। सर जो बोलेंगे, नोट पढ़ाऊंगा या फायरबेस पढ़ाऊंगा? ज्यादा यूज होने वाला वो है, दोनों बराबर हैं लेकिन ज्यादा वो है, दोनों चीज यूज इतना इजी नहीं है लेकिन है, कॉपी पेस्ट करने जा रहा है उसके चीजें, आप वो फीचर्स आपको जो है ना याद नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका डेमो मॉडल आ गया, अगर आपको इस तरह का चाहिए क्या? नहीं नहीं इस तरीके से बहुत लंबी हो जाएगी, ज्यादा लॉन्ग टाइम लगेगा, क्योंकि डेटाबेस की चीजें खत्म करना जो है ना आसान नहीं है।
क्या है बाद में और नए नए प्रोजेक्ट्स आएंगे। हाँ बिल्कुल आएंगे। मैंने उसको बताया हुआ है मेरे पासवर्ड का टाइप ये है, जब आंख क्लिक हो जाए तो एक फंक्शन बनाया हुआ है पासवर्ड कन्वर्टर, उससे मैं यूजर के सिंटेक्स को इनक्रिप्ट कर रहा हूँ और फिर वो जो है सबसे पहले इनक्रिप्ट करता हूँ और जो हमारा टैग है उसको रिप्लेस करता हूँ उससे जो मेरा इनक्रिप्टेड एलिमेंट्स हैं, और इसके अलावा आइकन जो है आई का उसको रिप्लेस करता हूँ दूसरी आई। लॉजिक है कस्टम लॉजिक है, पड़ी भी नहीं है, अपनी बनाई हुई। नहीं गिटहब पे वो नहीं है, मैंने एक लॉजिक वो भी लिखी हुई है कि वो इंशाल्लाह अगर यहाँ पे हमने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन जब वो बनाएंगे ना तो वो इस तरह का है आपका F5 और कंट्रोल शिफ्ट आर सही है। F5 से क्या होता है पेज रिफ्रेश, कंट्रोल शिफ्ट आर पेज रिफ्रेश, दोनों वर्क नहीं करेंगे। जावास्क्रिप्ट की लॉजिक दोनों वर्क नहीं करेंगे। पेज या तो यहाँ से जाके क्रॉस करना पड़ेगा, पेज उड़ गया तो उड़ गया, आपका ये क्रॉस भी वर्क नहीं करेगा जावास्क्रिप्ट। लोडर पे जाके ये जाके मैं ये कर रहा हूँ, आपका ये भी वर्क नहीं करेगा, आपका F5 वर्क नहीं करेगा, कंट्रोल शिफ्ट आर वर्क नहीं करेगा, भागने का कोई तरीका बचा ही नहीं। मतलब भाई आप टेस्ट दे रहे हो ना कि भाई सर मेरा तो रिफ्रेश हो गया, मेरे से तो टैब बंद हो गया, आप भाग सकते ही नहीं। वो बात लगे हाँ यार इससे हो नहीं रहा था, स्क्रीन तोड़ दी सर मैं मिस आ गई थी तो स्क्रीन गिर गई। सही है, ये सारी चीजें बनाई थी कस्टम मैंने। हाँ इस तरह नहीं है, जब आप जो है किसी चीज की लॉजिक बनाने बैठोगे ना